तकत बदल दो, ताज बदल दो, हजारों का राज बदल दो। तकत बदल दो, ताज बदल दो, हजारों का राज बदल दो। तकत बदल दो, ताज बदल दो, हजारों का राज बदल दो। जो जनता की बात करेगा वो जनता पे राज करेगा, जो रोजगार की बात करेगा वो जनता पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। रीट पदों की बढ़ोतरी के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर रीट अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है रीट के पद की भर्ती 50,000 की जाए। अगर सरकार अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन पर बैठे अभ्यर्थी आंदोलन और भी उग्र कर देंगे। साथ ही 12 दिसंबर 2021 को राहुल गांधी की रैली को लेकर भी सरकार को चेताया गया है। वहीं रीट अभ्यर्थियों ने यह मांग रखी है कि अगर 12 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो राहुल गांधी की रैली का समर्थन नहीं करेंगे, साथ ही उनका जयपुर में आने से भी रास्ता रोकेंगे। वहीं एसएफआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, जो रोजगार की बात करेगा वही युवाओं पर राज करेगा। रीट भर्ती परीक्षा 2021 के पदों को 50,000 करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना जारी रहेगा। राजस्थान भर्ती धर्मस्थल पर लगातार झूठे हैं, इसलिए भारी संख्या में युवा 12 दिसंबर राहुल गांधी के आगमन का विरोध का ऐलान कर रही है। राजस्थान सरकार से मांग है, आज हमने झूठे ट्रेंड भी करवाया है। 12 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, युवाओं के नाम पर झूठी राजनीति की जा रही है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि राजस्थान का युवा लगातार पिछले कई दिनों से 31,000 से 50,000 पद बढ़ाने की मांग को लेकर, रीट के अंदर पद बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे, परंतु सरकार सुन नहीं रही है। सरकार से मांग है, जिसने डिग्री किया वो बेरोजगार घूम रहा, और इधर स्कूलों में खाली पद पड़े हैं। इधर शाला दर्पण पर 60,000 से 70,000 पद खाली पड़े, परंतु सरकार शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर नौटंकी करी है। हम कहना चाहते हैं, अगर युवाओं की बात नहीं मानी, यार तादाद के अंदर, भारी तादाद के अंदर युवा जुट रहा 12 तारीख का विरोध करने के लिए, युवाओं के नाम पर झूठी राजनीति नहीं करने दे। जो युवा की बात करेगा वही युवा पर राज करेगा। धन्यवाद। हम रीट के पदों की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि रीट पद 31,000 से 50,000 करें। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हम 12 तारीख की रैली में काले झंडे दिखाएंगे। गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को घुसने नहीं देंगे। इतने दिनों से 3 साल से वैकेंसी अटकी पड़ी हुई है और 2-3 बार रीओपन हो गए फार्म, तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम कि पद बढ़ाए जाए हमारे और हमें मतलब रोजगार दिया जाए। मेरी सरकार से ये मांग है कि युवाओं के नाम पर भी झूठी राजनीति जो कर रहे हैं राहुल जी कर रहे हैं, राहुल जी, गहलोत जी, शिक्षा मंत्री वगैरह जो भी है, कांग्रेस के जितने भी नेता वगैरह है, ये झूठी राजनीति बंद करें युवाओं के नाम पर। और दूसरी बात ये, हमारे पद 31,000 से बढ़ा करके 50,000 फौरन करे जाएँ। हम यहाँ पर कई दिनों से धरना दे रहे हैं, हमारे पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारे पद 50,000 नहीं हुए तो हम राहुल गांधी जी को 12 तारीख को जो रैली में आ रहे हैं, यहाँ पर महारैली में आ रहे हैं, हम यहाँ पर उनको घुसने नहीं देंगे। जो जनता की बात करेगा वो जनता पे राज करेगा, जो युवा की बात करेगा वो युवा पे राज करेगा, जो जनता की बात करेगा वो जनता पे राज करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएड बीएससी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रीट एक्ट्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।